नमस्कार एम पी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मंत्री के भतीजे की दबंगई यहां पर देखने को मिली है और यहां वीआईपी गेट से निकलने को लेकर पुलिस से बदसलूकी हो गई है। गेट से जबरन निकलने को लेकर बहस हो गई है। दंदरुआ धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये रिंकू भदौरिया जा रहा था और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का ये भतीजा रिंकू भदौरिया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी रिंकू का विरोध किया। घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है, तस्वीरें आप देख लीजिए और क्या चल रहा है यहाँ पर ये भी जरा देख लीजिए। अनिल हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल, ये मंत्री जी का भतीजा है रिंकू शर्मा बताया जा रहा है, लेकिन भतीजा है तो क्या कुछ भी करेगा? नियमों को ताक पर रखकर पुलिस से भिड़ जाएंगे, वीआईपी गेट से निकलने को लेकर बदसलूकी करने लग जाएंगे? भदौरिया ये दंदरुआ धाम में चल रहा है सीएफपी मिलन समारोह में कार्यक्रम में पहुंचने गए थे, वीआईपी गार्ड से अपनी गाड़ी जब लेकर गए थे तो पुलिसकर्मियों ने वहाँ गाड़ी रोका, तो जब उन्होंने उसका विरोध किया और वहाँ मुवाद किया उसके बाद वो जबरन गाड़ी लेकर निकल गए। जबरन गाड़ी लेकर निकल गए तो क्या पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके? जिनको मैं बता दूं वहाँ पर ग्रामीणों ने भी इस बात का विरोध किया था कि आप यहाँ गाँव में वोट लेने वाला पहली बार आए, कोई विकास तो कराए नहीं, जबरन जा रहा है, आप जाओगे तो हम लोगों की गाड़ियां भी इसी रास्ते जाएंगी, लेकिन पुलिस वहाँ विरोध करती रही। उसके बाद काफी पुलिस बल मौके पहुंच गया, समझाइश दी गई, उनकी गाड़ी निकाल दी गई, उसके बाद मामला पूरा शांत हुआ। तो यानी कि पुलिस के ऊपर भारी पड़ गए रिंकू भदौरिया? जी बिल्कुल, माने तो पुलिस वहाँ बिल्कुल बैकफुट पे आ गई और उनकी गाड़ी उसी रास्ते जहाँ पुलिस नहीं जाने देना चाह रही थी उसी रास्ते से उनकी गाड़ी निकल के गई। और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया इस पर? मंत्री जी की तरफ से क्या जवाब आया इस पर, ये दबंगई जो दिखाई जा रही है इस मामले में लेके? मंत्री जी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है और जब ये विवाद जब बैरिकेड जैसे मंत्री के समर्थक खुद हटाने लगे, उनके भतीजे के समर्थक हटाने लगे, तो उसी बात पर पुलिस से विवाद हुआ और विवाद के बाद जब इतना विवाद बढ़ गया कि काफी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, कई पुलिस अधिकारी पहुंचे, उनकी समझा, इसके बाद उनकी गाड़ी को निकाला गया और बाहर के, क्योंकि बाहर का पुलिस बल लगा हुआ है, उन्होंने कई बार निवेदन किया आप गाड़ी निकालोगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसके बाद भी वो नहीं माने और जबरन गाड़ी लेकर चले गए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जबरन गाड़ी लेकर मंत्री जी के भतीजे चले गए। बढ़ते आगे जबलपुर से बड़ी खबर, आपको बता दें ऑटो रिक्शा में यात्रियों की ओवरलोडिंग का जो मामला है, इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर टिप्पणी की है कि कागजी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट के आदेश को सरकार नकार रही है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी अवैध ऑटो जब्त करने के लिए एक हफ्ते की अब मोहलत भी दे दी है। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को अगली सुनवाई भी तय कर दी। प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता जबलपुर से इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, अवैध रूप से ऑटो चलाने या ज्यादा सवारी भरने, ओवरलोडिंग करना, ये मामला जो है इस पर पहले से ही कोर्ट बहुत गंभीर है और एक नहीं कई बार राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है, लेकिन आज भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट को नाराजगी जतानी पड़ी और एक हफ्ते का अल्टीमेटम देना पड़ा कि एक हफ्ते में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताएं राज्य सरकार को। रिक्शा का जो मामला है लंबे समय से हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन लगातार जो जिम्मेदारों का रवैया है उससे आज हाईकोर्ट कहीं ना कहीं नाखुश दिखी और कड़ी फटकार राज्य सरकार को यहाँ पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने लगाई है। और एक टिप्पणी भी जो है वो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने की है कि कागजी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट के आदेश नकार रही है सरकार। ये बड़ी टिप्पणी जो है आज कोर्ट द्वारा की गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जो अवैध ऑटो है उन्हें जब्त करने के लिए एक हफ्ते की जो मोहलत है वो सरकार को और जिम्मेदारों को दे दी है और हाईकोर्ट ने अगली जो सुनवाई वो 25 नवंबर को तय की है। कहीं ना कहीं जो एक्शन टेकन रिपोर्ट रहेगी सरकार वो हाईकोर्ट के पटल में पेश करेगी और बेहद महत्वपूर्ण जो मामला है, जो कि सवारी आए दिन हम देखते हैं सड़क हादसे होते हैं, कई सवारियों की जान तक चली जाती है और ओवरलोडिंग जो है वो एक बड़ा मसला है यातायात नियमों के लिहाज से भी, उसके उल्लंघन के लिहाज से भी, तो देखना होगा जिम्मेदार आखिर क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। नर्मदापुरम के केसला में सीएम ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि एमपी की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में पेसा एक्ट के फायदे भी गिनाए।
नर्मदापुरम के केसला में सीएम शिवराज ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने अपने संबोधन में धर्मांतरण पर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि एमपी धरती पर धर्मांतरण किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। सीएम ने लोगों को षड्यंत्र के प्रति भी आगाह किया है। बहला के, फुसला के और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय है जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और हमारे धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। वहीं 15 नवंबर से प्रदेश में लागू हुए पेसा एक्ट की लोगों को सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि आदिवासियों के विकास के लिए एक्ट जरूरी है। आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है और पेसा के अंतर्गत आज मैं यही कहने आया हूं, ये जमीन आपकी तो जमीन के अधिकार दे रहे हैं, जल के अधिकार दे रहे हैं, जंगल के अधिकार दे रहे हैं। देवास और रायसेन के बाल आश्रम में बच्चों के धर्मांतरण के मामले पिछले दिनों आए थे। ऐसे में सीएम ने सख्त अंदाज में धर्मांतरण को लेकर एक तरफ चेतावनी दी तो दूसरी तरफ लोगों को सावधान रहने की नसीहत भी दी। और वहीं रायसेन में धर्मांतरण के चक्कर में फंसे तीन बच्चों का दमोह में हिंदू संगठनों ने पवित्रीकरण कराया। सिविल वार्ड के शिव पार्वती मंदिर में दो बच्चियों के कन्या पूजन और एक बच्चे को मंगल तिलक लगाकर वापस हिंदू धर्म में आने पर उनका स्वागत किया गया। पवित्रीकरण के बाद बच्चों के पिता हरपाल उन्हें अपने साथ गांव ले गए। भोपाल में घूम गए थे हमारे बच्चे, बाल संरक समिति वाले लोग उठा के ले गए थे नेहरू नगर वाले। नेहरू नगर वालों से हम मांगने तो 10-20 बार गए लेकिन उनने नहीं दिए, ना मिलने दिया ना बच्चे दिए। इसके बाद उन्होंने हमारा जिला मंडदीप राशन पड़ता था, उन्होंने राशन ट्रांसफ़र कर दिए तो राशन में भी नहीं मिलने दिया। राशन में मेरी लिखा पढ़ी की तो दमोह जिला पड़ा तो दमोह में ट्रांसफ़र किए गए हमारे बच्चे 8 महीना पहले। इनको अपने घर वापस लाया गया है। आज वो यहाँ मंदिर में आए थे अपने पिता के साथ, जहाँ पर पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उनके साथ पूजन किया गया। और आइए अब बात करते हैं केक पर मचे कलह की। तो छिंदवाड़ा में मंदिर के आकार वाले केक काटने पर कमलनाथ पर चौतरफा हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के साथ साथ साधु संतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं कांग्रेस विवाद को ओछी राजनीति बताने लग गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ बर्थडे केक को लेकर फंस गए हैं। बर्थडे से पहले कमलनाथ ने मंदिर के आकार वाला केक काटा था। इस केक काटने को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे आस्था से खिलवाड़ कहा है। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था, ये उनकी याद दिला देता है। बात इतनी सी नहीं है, साधु संत भी नाराज हैं। स्वामी अखिलेश रानंद महाराज पूरे हिंदू सनातन धर्म से माफी मांगने की मांग की है। कमलनाथ ने जो कुछ भी किया है यह हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कदम है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वही कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को ओछी राजनीति करार दिया। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ति
मध्य प्रदेश में स्थापित है, तो उन्होंने छिंदवाड़ा में स्थापित किए 105-6 फीट की। अब ये सब डर है, जब वो एक गाना है फिल्म का कि जब डर लगे तो गाना गा, तो ये सब गाने गा रहे हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की 2500 किलोमीटर की यात्रा यहाँ आएगी, 25 किलोमीटर चल रहे हैं। मंदिर नुमा केक काटने का विवाद फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में जबकि राहुल गांधी की एमपी में पदयात्रा शुरू होनी है, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व निशाने पर आ गया है। और वहीं मंदिर के आकार का केक लाने वाली महिला की सफाई भी आ गई। कीर्ति सुधांशु इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि इनकी भावना गलत नहीं थी, गलती केक बनाने की जरूर हो गई। कीर्ति सुधांशु ने इसके लिए माफी मांगी और साथ ही कहा कि केक में मंदिर की आकृति नहीं, हनुमान जी की स्टिकर फोटो लगी थी। जब केक काटा गया तो उसे भी हटा लिया गया था। कमलनाथ ने दूसरे नंबर वाला केक काटा था जो वीडियो में दिख भी नहीं रहा है। छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी ने हनुमान मंदिर की सौगात दी थी और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए ये केक तैयार करवाया गया था। इतना मुझे पता है कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम आहत हैं कि हम करने कुछ गए और हो कुछ गया। हम क्षमा प्रार्थी हैं हमारे एंड से कि हमने बेवजह साहब को लोगों ने मुद्दा बना के उछाल दिया। इस बात गलती हुई है, गलती हुई है, मान रही है आप। गलती हमारी भावनाओं की नहीं थी, गलती हमारी केक बनाने की थी, शायद हमें और कुछ बनाना था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी की पदयात्रा अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। एक तरफ कांग्रेस पदयात्रा को लेकर उत्साहित है तो वहीं बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को बेअसर बता रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 23 नवंबर को एमपी में प्रवेश करेगी। पहले राहुल गांधी 20 नवंबर को बुरहानपुर आने वाले थे। 21 और 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात जाएंगे और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। 23 नवंबर को पदयात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। एमपी में बरदौली से राहुल की पदयात्रा शुरू होगी। 27 नवंबर को राहुल बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचेंगे। 1 तारीख को राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन में राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रवेश करने वाली थी, क्योंकि 21-22 को रेस्ट डे रखा था और 21-22 को राहुल जी गुजरात के चुनाव में जा रहे हैं, जो अचानक डिक्लेयर हुआ। उधर वीडी शर्मा ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता राहुल से जवाब मांगेगी। मध्य प्रदेश आएंगे तो उनको पता लगता है कि मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश उन्हें जवाब दे चुका है और मध्य प्रदेश जवाब पूछने वाला है कि राहुल गांधी जी, जरा मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश में आप आए थे गलती से छल कपट के साथ, आपने कुछ प्राप्त कर लिया था, मध्य प्रदेश की जनता उसका हिसाब किताब मांगेगी। तो घबराहट है राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के नेतृत्व की, और आपने देखा किस प्रकार की उथल पुथल मची है। अंदर ही घमासान है और एक घमासान रहेगी। राहुल गांधी की एमपी में पदयात्रा विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है। कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन ये कितना कामयाब होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में अब बुरहानपुर जिले के बुर्दली गांव से 23 नवंबर को प्रवेश करने वाली है। बुरहानपुर से सनावत के लिए यात्रा के प्रभारी बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा बनाए गए हैं, जो यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दौरान शेरा ने राहुल गांधी को संत की उपाधि दे डाली और कहा कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके पीछे शेरा ने तर्क दिया कि बुरहानपुर दक्षिण का दरवाजा कहलाता है और इतिहास गवाह है कि जो दक्षिण से बुरहानपुर होकर उत्तर की ओर यानी कि दिल्ली की तरफ गया, उसने दिल्ली में राज किया। लिहाजा राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। का दरवाजा कहला जाता है, गेट टू डेक्कन। जो भी राजा इस देश पे राज करना चाहता था, पिछले जमानों में राज करते थे लड़ाई करके, इस जमाने में निकले राहुल जी संत बनके लोगों का दिल जीतने के लिए। दिल जीतकर इस देश पे राज करेंगे और आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री बनना निश्चित है, क्योंकि 4 दिन वो इस यहाँ पर रुकने वाले, तो पुराना इतिहास गवाह है। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा कल से शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे।
भोपाल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी। आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारी तकरीबन पूरी कर ली गई है। कल से शुरू हो रहा कार्यक्रम 21 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ संपन्न होगा। इस दौरान करीब 10 लाख लोग शामिल होंगे। तबलीगी इज्तिमा को लेकर प्रशासन ने फुल प्रूफ व्यवस्था की है। भोपाल जिला प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजामों को लेकर बैठक भी की है। पुलिस वालों ने हमसे ये पूरा प्लान बनाया है, जाने वक्त जाते वक्त का भी क्या प्लान हमने यानी जो बनाया है, और पुलिस वालों ने मिलकर जो हम लोगों ने बनाया है उस प्लान के ऊपर हम चलेंगे, ताकि हम कोशिश ये होगी कि पैदल जाने वाले और सवारियों से जाने वाले जो हैं वो उसमें आपस में टकराव ना हो, रोड जाम ना हो। इसकी हमें पूरी कोशिश करना है कि रास्ते भी चलते रहें और गाड़ियों को भी सहूलियत मिले और पैदल चलने वालों को भी सहूलियत मिले और इज्तिमा जो है कार्यक्रम में किसी को कोई दिक्कत ना हो इसका प्रशासन ध्यान तो रखेगा ही, साथ ही हजारों वॉलेंटियर्स भी होंगे जो लोगों की मदद करेंगे। आलमी तबलीगी इज्तिमा मुस्लिम समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है। खरगोन में अवैध कारोबार पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई हुई है। एसडीएम समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में प्रशासन ने बायोडीजल पंप पर बुलडोजर चला दिया। बुधवार को बायोडीजल के 4 सैंपल की रिपोर्ट अमानक आने के बाद कार्रवाई के दौरान बायोडीजल पंप पर रखे यूरिया टैंक समेत अन्य निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और देवास से एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। नेमावर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देते हुए दुष्कर्म के आरोपी की दुकान को आज गिरवा दिया है। मुदस्सर की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। मोबाइल की शॉप यह आरोपी चलाया करता था। पुलिस ने रिपोर्ट होने के 6 घंटे के भीतर ही कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी पर नेमावर में धारा 376 समेत 2 अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया। ईओडब्ल्यू के खुलासे में सामने आया है कि बिशप पीसी सिंह ने सिवनी में भी ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन को बेच दिया। करोड़ों के फर्जीवाड़े में बिशप पीसी सिंह जेल में बंद है और ईओडब्ल्यू की जांच टीम ने सिवनी मिशन स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए अब तलब कर लिया है। उज्जैन के भागसीपुरा स्थित प्राचीन 56 भैरव मंदिर में भैरव अष्टमी पर्व की कल धूम नजर आई। भगवान भैरवनाथ को 1500 से अधिक तरह का भोग लगाया गया। भैरवनाथ को मादक पदार्थ चढ़ाने की भी मान्यता है, इसलिए 60 तरह की देसी शराब, गांजा, अफीम, भांग, बीड़ी, सिगरेट समेत अन्य सामानों का महाभोग लगाया गया। रात 12 बजे महाआरती के बाद श्रद्धालुओं ने अनूठे महाभोग का सेवन किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 18 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि खुद भगवान भैरवनाथ एक श्रद्धालु के सपने में आए, जिसके बाद उन्हें ये भोग लगाया जाता है।